2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह भरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं तो रहूंगा और कहां जाऊंगा, साहब का गजब का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि साहब कांग्रेस के विधायक हैं, हमेशा राहुल गांधी की तरह कॉन्फिडेंट में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है। वैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि औकात में रहकर बात करो तो हमेशा फायदेमंद रहती है। ये मैं सब क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह भरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद? अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मीडिया ढूंढेगी आप? मैं मीडिया ढूंढे मीडिया के घर पे चला जाऊंगा, जहाँ कहेंगे वहाँ आ जाऊंगा। दरअसल हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में रविवार यानी 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 230 में से 163 सीटों पर जीत कर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, लेकिन मतगणना से पहले चुनाव परिणामों में भाजपा को लेकर बड़ा दावा कर बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता दतिया जिले के भंडारे विधानसभा से चुनाव जीत कर दोबारा विधायक चुने गए फूल सिंह भरैया अब अपने ही दावे के कारण बुरी तरह फंस गए हैं। अब अपने दावे के मुताबिक उन्होंने राजधानी भोपाल में राजभवन पहुंचकर अपने खुद अपने हाथों से अपने चेहरे पर कालिख पोतने की बात कही थी, अब उन्हें कालिख पोतनी पड़ेगी, ये तमाम सारे बयान उन्होंने मीडिया को दिए थे। बताया जा रहा है कि विधायक भरैया का दावा पूरा न होने पर अब वो भोपाल में राजधानी के बाहर मीडिया के सामने खुद अपने चेहरे पर हाथों से कालिख लगाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता फूल सिंह भरैया ने विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले मीडिया के सामने ये दावा किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 230 सीटों में से 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने खुद ये भी दावा किया था कि अगर भाजपा इस चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी तो वो राजधानी भोपाल में राजभवन के बाहर खड़े होकर अपने हाथों से अपने मुंह पर कालिख करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं फूल सिंह भरैया। अब 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान भले ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम परोनिया को भारी बहुमत से हराकर भंडारे सीट से विधानसभा चुनाव की सदस्य चुने गए हों, इसके बावजूद भी प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है, लिहाजा 50 सीटें तो दूर, भाजपा ने इस चुनाव में 163 सीटें जीती हैं। अब हम आपको इस बात से और भी अवगत कराते हैं। मतगणना के अगले ही दिन सोमवार की सुबह क्षेत्र के एक छात्र दीपांशु गुर्जर ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया को कॉल करते हुए पहले जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक फूल सिंह को उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहा कि वे अब कब अपने चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं। इस पर फूल सिंह भरैया ने तेस में आने के बजाय बड़े ही सहज ढंग से जवाब दिया कि कल या परसों में वो इस काम को अंजाम देंगे। दरअसल भंडारे से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक फूल सिंह भरैया वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में अगर भाजपा के 50 विधायक भी जीत कर जाएंगे तो वो राजभवन के बाहर अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है, उनकी प्रतिज्ञा है कि इस पर मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल भी किया है कि अगर सचमुच भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें जीत लेती है तो आप रिजल्ट के बाद मिल जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए फूल सिंह भरैया ने कहा, अरे मैं तो रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? मीडिया कर्मी के ये कहने पर कि मीडिया ढूंढेगी आपको, फिर जवाब में फूल सिंह ने जवाब दिया कि मीडिया ढूंढेगी, मैं मीडिया के घर पर ही चला जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊँगा। फिलहाल 25 सेकंड का ये वीडियो मतगणना के रुझान सामने आते ही वायरल होने लगा है। वैसे भी आप सबने सुना भी होगा, रहीम दास जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल।
लेकिन संसार में आए दिन लोग अपनी पढ़ाई किए बिना नहीं मानते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।